चलो जैव विविधता, जैव विविधता की परिभाषा होती है जीव जंतुओं में पाए जाने वाली विविधता विषमता एवं पारिस्थितिकी जटिलता जैव विविधता कहलाती है। क्या हो गया कुछ नहीं, ये नाइन्थ आठ क्लास से चलता आपका बारहवीं क्लास तक तीनों साल आर्ट्स के आर्ट्स साइंस आठ नौ दसवीं ग्यारहवीं बारहवीं सब क्लासों के अंदर ज्योग्राफी है ना ग्यारहवीं क्लास में और बारहवीं क्लास में उसको भी चलता है। जीव जंतुओं का पता ही है क्या होते हैं एनिमल एनिमल हम सब आ गए जीव के अंदर कौन कौन आते हैं एनिमल जीव के अंदर सजीव और सजीव में इनके अंदर जो विभिन्नता या विविधता पाई जाती है वो क्या कहलाती है जीव। जिस क्षेत्र की जीव विविधता अधिक होगी जिस क्षेत्र की जीव विविधता अधिक होगी वो एरिया क्या होगा विकसित होगी। जैसे बांसवाड़ा की जीव विविधता अधिक है क्योंकि यहाँ पेड़ पौधे और जीव जंतु अधिक है, आवासीय भूमि के अलावा यहाँ जंगली एरिया ज्यादा है इसलिए यहाँ की जीव विविधता क्या है अधिक होगी। बांसवाड़ा विकसित है इस नजरिए से जैव विविधता के नजरिए से बांसवाड़ा क्या है राज्य वो जिला है। जैव विविधता शब्द का अर्थ है ना जैव प्लस विविधता, जैव जैव के अंदर जीव आ गए जीव के जीव जंतु और पादप सारे एक साथ रहते हैं। विविधता का मतलब होता है विभिन्नता, तो जीव जंतुओं में पाई जाने वाली विभिन्नता क्या होती है जैव विविधता। जैविक विविधता प्रकृति में विभिन्न प्रकार के जीवों की उपस्थिति को क्या बोलते हैं जैविक विविधता। जैविक विविधता भी इसके जैसा ही शब्द है, दोनों की एक जैसी परिभाषा होती है। जैविक विविधता शब्द सर्वप्रथम नॉर्थ पर भेंडर नामक वैज्ञानिक ने 1980 में दिया। नॉर्थ पर मेनस नामक वैज्ञानिक ने 1980 में दिया। जैव विविधता शब्द डब्ल्यू जी रोजन नामक वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम दिया। अगला टॉपिक है जैव विविधता का परिमाप। परिमाप मतलब जैव विविधता को कैसे मापा जाता है। पृथ्वी पर लगभग 50 लाख से 5 करोड़ तक प्रजातियां उपस्थित है। पूरे विश्व के अंदर 50 लाख से 5 करोड़ तक प्रजातियां उपस्थित है। वर्तमान समय तक 15 लाख प्रजातियों की खोज की जा चुकी है। 15 लाख प्रजातियों की खोज की जा चुकी है, तो कुल का कितना है 15 लाख। पूरे विश्व के अंदर 50 लाख से 5 करोड़ तक प्रजातियां उपस्थित है। अब इसमें से इतनी प्रजातियों का वैज्ञानिकों ने पता लगाया कि 15 लाख प्रजातियां ये है। उस पादप वनस्पति विज्ञान और जंतु वनस्पति विज्ञान की किताबें चलती है जिसके अंदर क्या होता है वर्गीकरण होता है। ग्यारहवीं में चला 109 जिसके अंदर विभिन्न पादपों का और जंतुओं का वर्गीकरण था। प्रोटोजोआ को वर्गीकरण श्रेणी का और पादपों के अंदर जब विभिन्न प्रकार के शैवाल फाइटा टेरिडोफाइटा जिम्नोस्पर्म एंडोस्पर्म तो टोटल प्रजातियां अभी तक इन दोनों की जंतु पादप और सूक्ष्म जीव की 15 लाख तक की प्रजातियां अभी तक पहुंची जा चुकी है। अब कुल प्रजातियों के अंदर इतनी प्रजाति जितनी प्रजाति खोजी जा चुकी है उसमें 250,000 प्रजाति तो किसकी है पुष्पीय पादप। आप चारों जितने भी देख रहे हो ये साक्षात कौन से पादप है पुष्पीय। आपके चारों जितने भी है ना मैक्सिमम कौन से पादप होते हैं पुष्पीय पादप। ये क्या होते हैं आवर्त बीजी जिसका नाम दूसरा क्या है एंजियोस्पर्म। आवर्त बीजी पादप आवर्त बीजी पादप क्या है जिसके बीज के चारों ओर आवरण स्थित होता है। स्तनधारी जो अपने बच्चों को दूध पिलाते हैं एक संघ पढ़ाता अपने मेमेलिया यानी क्लास मेमेलिया क्या होता है उसका स्तनधारी। स्तनधारियों की 4,650 प्रजातियां खोजी गई है। अब उन पूरे विश्व की है ये 2,50,000 पुष्पीय पादप 4,650 स्तनधारी। अब इनमें भारत के अंदर 77,000 वन्य जातियां हैं। जंगलों में पाए जाने वाली टोटल वन्य जातियां कितनी है 77,000। उसमें स्तनधारी प्रजातियां पूरे भारत में 390 जो अपने बच्चों को दूध पिलाते हैं। पक्षियों की प्रजातियां कितनी है 1,225। कीट जो सर्वाधिक है सबसे बड़ा वर्ग होता है इंसेक्टा। कौन सा वर्ग है इंसेक्टा वर्ग के जानवरों के अंदर तो क्या होता है 800 करोड़ का एक वर्ग
आर्थोपोडा संघ का एक वर्ग है। आर्थोपोडा किसमें आता है? नॉन वर्टेब्रेटा। ये कीट क्या है? सर्वाधिक पृथ्वी पर सबसे ज्यादा जंतु कौन से संघ में मिलते हैं? आर्थोपोडा के अंदर। तो कीट होते हैं वो सबसे ज्यादा, सबसे बड़ा वर्ग कौन सा है? इंसेक्ट्स का है। भारत में पादपों की कितनी प्रजातियां पाई जाती है? 45,000। अब ये तो सारे के सारे भारत की है, उधर है राजस्थान की। अब राजस्थान में कितने पक्षियों की प्रजाति पाई जाती है? 12। पुष्पीय पादप, सर्वाधिक मात्रा में पुष्पीय पादप को कितने हैं? 22,000। और सरीसृप कौन होते हैं? रेंगने वाले, जो रेंग कर चलते हैं। सांप, कछुआ, रेप्टिलिया और छिपकली और गिरगिट, ये सारे सारे किसमें आते हैं? सरीसृप में, जो रेंग कर चलते हैं। इनकी भारत राजस्थान में 71 प्रजाति। इस आधार पे जैव विविधता का मापन किया जाता है कि सबसे ज्यादा विश्व में सब टोटल कितने पुष्प है, कितने स्तनधारी है, कितने कीट है, कितने क्या है, ये सारे के सारे। अगला टॉपिक को देखेंगे।